राहुल गांधी आज राजस्थान में मौजूद हैं। इसी को लेकर के उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब अडानी की गारंटी, और इसी के साथ में उन्होंने कई ऐसे चुनावी जुमले भी किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, जिसको लेकर के अब लगातार माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। तो किस प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर निशाना साधा है, सीधा दिखाते हैं हमारी रिपोर्ट में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज चूरू के तारानगर, हनुमानगढ़ के नोहर और श्रीगंगानगर के साधौ शहर में चुनावी सभा को संबोधित किया। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मोदी की गारंटी का मतलब अडानी की गारंटी, कांग्रेस का मतलब किसानों, मजदूरों, युवाओं की सरकार। यही फर्क है, नरेंद्र मोदी की गारंटी अडानी जी की सरकार बनेगी और चलेगी। हमारी गारंटी किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित और आदिवासियों की सरकार चलेगी। उन्होंने कहा कि गरीबों की जेब में हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, वो अडानी जी की जेब में डालते हैं, हम आपकी जेब में डालते हैं। राहुल ने कहा कि जितने पैसे इसने अडानी को दिए हैं, उतने पैसे मैं हिंदुस्तान के गरीब के हाथ में डालूंगा। मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूँ, झूठे वादे नहीं करता, एक बार बोल दिया वो करके ज़रूर दिखाऊंगा। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए ताई बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।